आज अल सुबह SHO ग्रामीण धन्नापुरी जी को इतला मिली कि उतरलाई के पास रेबाजों की ढाणी में एक महिला की हत्या हुई है, जिस पर SHO SCO साहब बाड़मेर ओम जी मौके पर पहुंचे और उनकी इतला प्राप्त होने पर हम लोग भी गए। SP साहब ने मौका मुहैया किया तो ये पाया गया कि वहाँ एक जो महिला है मग्गी देवी वाइफ को महिंद्रा स्वर्गीय महिंद्रा राम वहाँ ढाणी में रहते हैं, उसकी लाश आंगन में पड़ी हुई है। गर्दन पर एक तेज धारदार हथियार का वार किया हुआ है, जिस पर पुलिस द्वारा क्राइम सीन को कॉर्डन करके और मौके को सुरक्षित रखकर बारीकी से मौका मुआयना किया गया, मौके की कार्रवाई की गई। उसके बाद महिला की पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता किया गया तो ये बात सामने आई कि महिला विधवा है और उनकी काफ़ी अर्ली एज में ही पति की मृत्यु होने के बाद वो अपने जेठ के घर पर रहती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जेठ के परिवार से अनबन होने के चलते वो अपने फर्स्ट कजन के यहाँ रह रही थी, सवाईराम वगैरह के यहाँ। महिला के नाम से कुछ वहाँ गांव में ज़मीन बताई जा रही है। इस बात को लेके उनके जेठुता जो सो कॉल्ड आरोपी है मेवाराम, उसके परिवार को और उसको ये अंदेशा था कि महिला विधवा है, उससे कोई आस औलाद आगे पीछे नहीं है और अभी वर्तमान में जिस परिवार के साथ रह रही है वो दूर के रिश्तेदार हैं और ये ज़मीन वो हड़प लेंगे, या तो बेच देंगे या अपने नाम करवा लेंगे। ये बातचीत उन्होंने पहले अपनी काकी से करी, लेकिन काकी ने इस उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस अंदेशे के चलते उसने कल रात को जब वो महिला अपने आंगन में सो रही थी तब चुपचाप आया और उसने गर्दन पर एक भरपूर वार किया, जिससे महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। आरोपी मेवाराम को दस्तयाब करके SHO CO द्वारा पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया उसने अपराध करना स्वीकार किया और ये कहा कि मेरी काकी पहले हमारे पास रहती थी, वर्तमान में हमारे कजन के यहाँ रह रही है जो दूर के रिश्तेदार हैं, और अब वो जो दूर के रिश्तेदार हैं उस काकी को जो उसके नाम ज़मीन है वो हड़प लेंगे, हमें कुछ नहीं मिला। इस अंदेशे के चलते उसने इस अविश्वास के चलते उसने अपनी काकी की हत्या करना कबूल किया है, उसको दस्तयाब कर लिया गया, गहन पूछताछ जारी नहीं। इस तरह की कोई आतंक अपराधी या कोई मारपीट का कोई मुकदमा नहीं है, उसकी छवि एक आमतौर से ग्रामीण की है, लेकिन घरेलू विवाद के चलते उसने यह हत्या करना कबूल किया।